तो आज है समैथा का निकाह। कपड़े भी वाओ, क्या कपड़े पहने हुए सब। We promise to be husband wife in front of you all as our witnesses. We share the mic, respect and help each other to make our love life. तो आज है समैथा का निकाह और निकाह हो रहा है ये बिलीवर्स चर्च में जो है अख्तर कॉलोनी, राइट, अख्तर कॉलोनी में है। और मेरे साथ इतनी पुरानी हमारी दोस्त नसरीन, इनकी वजह से मैं समैथा से मिली थी। एंड थैंक यू नसरीन बाजी के, आपकी वजह से मैं समैथा से मिली थी। ऐसे अभी क्या क्या सैलून कैसा चल रहा है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नसरीन बाजी का अपना सैलून है हड्डा मार्केट में और नसरीन चर्च ने बनाया, और ये चर्च भी इन्हीं का ही चर्च है। अच्छा मुझे बताया नसरीन बाजी, आजकल क्या क्या फैशन में चल रहे हैं बालों के हिसाब से? कौन सा कलर चल रहा है आजकल? इनके पास आए और मैं सच्ची बता रही हूँ, बस आप नसरीन लिखेंगे टेबल पे आ जाएगा ना आपका। आप नसरीन क्या लिखेंगे? नसरीन सैलून लिखेंगे तो नसरीन सैलून इनके बेस्ट हेयर कलर होगा, बेस्ट हेयर कलर। बस नसरीन के पास आना, थैंक यू नसरीन। चले आए, अभी मैंने आपको समैथा को भी दिखाया कैसे प्यार हुई है। आप देखें यहाँ पर सब ली है और ये प्यारी लग रही है, ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत। समैथा की सिस्टर भी साथ हैं और ये उनके बेटे हैं। तो ये छोटे वाले हैं ना? बेटी है, बेटी है, ये बेटी है, बेटा बना दिया इसको। अरे वाह, बेटा ही लग रहा है वो तो पूरा का पूरा। और कैसी हो तुम? एम्फेसिस तुम्हें एम्फेसिस का क्या करो? कुछ भी नहीं, क्यों? सोनू ही ठीक है। चलो मैं जो, तो एम्फेसिस भी नाम अच्छा लगा। आज कोई गीत गाओगी? गाओगी ना, इतनी प्यारी आवाज़ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सुनवाई थी इनकी आवाज़। और समैथा नहीं गाने गाती ना, कोई भी नहीं, गीत भी नहीं गाती है। नहीं गीत गाती, गाती हो बहुत कम गाती है ना, लेकिन है ना मुझे कोई गाने नहीं देता। गाने ही नहीं देता, कहते हैं सब लोग जो है वो भाग जाएंगे तो ना गाए तो नहीं नहीं बहुत प्यारे गाती है, गीत भी गाती है, गाने भी अच्छी गाती है। और ये है हमारी एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? I don't know इसका मतलब है। और ये फाइल को देख रहे, फाइल इधर आओ, हमारे ये फ्यूचर सिंगर है ना? फ्यूचर सिंगर, कुछ टाइम का फ्यूचर नहीं, नहीं अल्लाह ना करे, हमेशा बोलते हैं कि यस ऑल टाइम, ऑल टाइम। अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा। और ये बीनिश मुख्तरमा, ये देखिएगा कल की तरह आज भी प्यारी लग रही है। मतलब क्या है ये, तो मैंने कहा था ना समैथा से अच्छा नहीं लगता है, मना किया था नहीं, इसको मना करो, ये करती वही काम है। ये देखो बाल भी इतने अच्छे बनाए हुए हैं और इतनी खूबसूरत तैयार हुई हुई है, और कपड़े भी वाओ, क्या कपड़े पहने हुए, जबरदस्त। आई लव हर आउटफिट, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यार करती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, और आज जो है शादी है, समैथा का निकाह है मतलब ना, अभी पंगा आने वाला, लेट हो गया आज, पंगा लेट हो गया, खुद लेट हो गया, लेट हो गए यहाँ पर जो है आज वो लेट हो गए। इतनी बातें सुना रहे थे ना, तो अच्छी बात है, आज उनको हम बातें सुनाएंगे। ये देखिए सारी फैमिली बैठी है, सब बैठी, मम्मी बैठी हुई है, सब लोग यहाँ पर।
उसका बच्चा बेबी और ये सैम समंथा के ससुर है कि जो बेटे के वालिदैन है उनमें से कौन इजाजत देते हैं कि उसके बेटे का निकाह सरताज के साथ है वो बांधा जाए, खड़े होकर हाथ खड़ा करके अपने लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बेटी की जानिब से कौन इजाजत देता है कि बेटी सरताज का निकाह आर्म के साथ बांधा जाए। बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा से सवाल आपसे पूछने वाला हूँ और आप इसका जवाब खुदा की मौजूदगी में और खुदा के रूबरू जो है आपने चंद सवाल का पूरे खुश आवास में अपने सवाल के जवाब दे दिए। ठीक है, आपने तेरे साथ वफादार हूँ, बीमारी और तंदुरुस्ती में तेरी खबर करूँ और जब तक मैं जिंदा रहूं मैं तेरे साथ वफादार रहूं। आज खुदा के रूबरू इस जमाने के रूबरू इसका मैं इकरार करती हूं। बहुत शुक्रिया। इकरार को जाहिर करती है जब आरिफ जो है ये अंगूठी सरताज को पहनाता है और इसका मतलब ये है कि आरिफ इस बात का इकरार करता है कि आज के बाद जो कुछ मेरा है और तू बराबर के उसमें हिस्सेदार और शामिल है। और इसी तरह से सरताज जब ये अंगूठी पहनाती है और इस बात का ऐलान और इतराफ़ करती है कि जो कुछ मेरा है और वो मेरा नहीं है बल्कि वो आरिफ का है और वो इसका बराबर हिस्सेदार और वो शराकतदार है। आइए हम इन दोनों गुच्छों की तकदीस करेंगे, हम इन दोनों गुच्छों के लिए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इन दोनों गुच्छों के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे दरमियान हमारे प्यारे भाई यूनस हैं, वो यहाँ पर सामने आएंगे और इन दोनों गुच्छों के लिए दुआ करेंगे। 1, 2, 3 और इसी तरह से बेटी सरताज आरिफ को अंगूठी पहनाएगी और ताली बजाकर खुशी का इजहार करेंगे। जोर ना ताली बजाएंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ खाएंगे ना, यू खाएंगे ना? नहीं अभी। ओके ओके। चूंकि आरिफ
और सुरताज ने आपस में दोनों ने बात दिखा पर इत्तेफाक किए और एक दूसरे के साथ कौले इकरार किए हैं, एक दूसरे के साथ जैसे मेहमान किए हैं। मैं भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रार होने की हैसियत से और खुदा का खादिम होने की हैसियत से इन दोनों को शोहर और बीवी करार देता हूं। जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा न करे। आमीन। आइए हम इन दोनों के लिए हम दुआ करेंगे। इस नौ ब्याहता जोड़े के लिए हम बरकत चाहेंगे। आज जब दुआ खत्म होगी आप जरूर एक दूसरे को विश करें, आप दूल्हे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। ब्राय मेहरबानी, यहाँ पे केक नहीं काटा जाएगा, यहाँ पे भूल पत्तियां आप ना बरसाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और चर्च के तकद्दस का जो है आप जरूर लिहाज रखते हुए आप खुदा के नाम के इज्जत और जलाल दें। आइए हम दुआ करेंगे। मामा बाबा एंड द बेबी, एक लव वाली वीडियो। आ जाओ भाई भगा, अभी आ जाओ, तुम पे जान छिड़कते हैं, खामोश करो। चलो
यहाँ पर आज हो गया सिमेंथा, जिनका असली नाम सरताज है लेकिन हम उसे सिमेंथा ही कहते हैं। हमें सबको सिमेंथा बहुत पसंद है, दो नाम है, एक मम्मी की पसंद का, एक फैमिली की पसंद का। तो सिमेंथा की शादी हो गई आज, शादी हो जाएगी और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे वली माँ। नहीं, आप बनाते हैं।